वीर्यपतन देरी से होना, इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। डिलेड इजेक्युलेशन ऐसा बोलते हैं इसको। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। वीर्यपात नहीं होना, ये एक तरह की बीमारी भी हो सकती है या ये नॉर्मल भी हो सकता है। बीमारी इसका मतलब फिर कुछ तो भी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब कुछ तो भी बॉडीली प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वीर्यपात नहीं होना, वरने वीर्यपतन होता ही नहीं है या बहुत देरी से होता है। तो भी इसके क्या कारण है हम देखेंगे। एक तो क्या, ये नॉर्मल हो सकता है, मतलब कैसा है कि भाई बहुत थकान आई हुई है ना, आदमी थका हुआ है पुरुष, तो उससे होता नहीं है। या फिर बहुत तनाव है दिमाग के ऊपर, स्ट्रेस है, या फिर कुछ गोलियां खा रहा है, दवाइयां खा रहा है, मेडिसिंस दिमाग की, तो उससे होता है। या उसको कोई बीमारी है, इसके वजह से होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा सेक्स कर लिया तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम फिर होता ही नहीं है। शराब से डिलेड इजैकुलेशन हो सकता है। ऐसा बोला जाता है कि अल्कोहल इंक्रीजेज द डिज़ायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस, मतलब इच्छा बहुत करती है शराब मगर काम नहीं करने देती कुछ भी। काम भावना जागृत होती है मगर काम नहीं होता। नेक्स्ट कारण ये हो सकता है कि भावनिक एक्सपीरियंस जो है उसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं, मतलब अपने पार्टनर के साथ में इमोशनली अटैच नहीं, इसलिए भी हो सकता है। अभी पार्टनर की रिएक्शन क्या होती है, स्त्री की रिएक्शन क्या। एक तो क्या है कि डिलेड इजैकुलेशन मतलब बहुत समय तक वो चल रहा है सेक्स, तो हो सकता है कि उसको बहुत मजा आ रहा होगा और वो बहुत एंजॉय करती होगी, ये बहुत समय तक चल रहा है। फिर दूसरा हो सकता है कि उसे एक रिएक्शन ऐसी होती है कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ क्या, मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या, क्या वो और किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है क्या, मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है क्या, ऐसे विचार आ सकते हैं, ऐसी रिएक्शन उसकी हो सकती है। या उसकी रिएक्शन ऐसी होती है पार्टनर की, भाई मेरे हस्बैंड को मेरे साथ में मज़ा नहीं आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए उसका इजैकुलेशन नहीं आ रहा है। या फिर उसको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत स्वार्थी है, आत्म केंद्रित है, हाँ उसको कुछ लगता ही नहीं है और इसको कोई मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं है, हो रहा नहीं हो रहा, मुझे क्या हो रहा है वो कुछ देख ही नहीं रहा है, तो ये बहुत सेल्फिश है क्या, ऐसा उसको लगता है, पार्टनर को लग सकता है। या यदि बच्चा पैदा करना ऐसा उद्दिष्ट है कि भाई अपने को इश्यू होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए और इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस, मतलब निराशाजनक एक्सपीरियंस, हताश होना, निराश होना, ऐसा अनुभव भी आ सकता है। तो ऐसे अलग अलग कारण है डिलेड इजैकुलेशन के। लोग चाहते हैं कि डिलेड इजैकुलेशन होना करके, मगर जिनको होता है उनको लगता है कि नहीं ये मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत समय तक करने के बाद में भी नहीं हो रहा है, फिर वो उसके लिए दवा लेते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं कि ठीक है, इसके लिए करना क्या है। एक तो क्या है कि उसको इतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है पार्टनर के साथ में, तो हम बोलते हैं ठीक है पहले ऐसा करो कि आप एक्साइटेटरी क्रीम्स आती है एक्साइटमेंट करने की, लुब्रिकेटिंग क्रीम है, पहले उससे हस्तमैथुन करने लगाओ, खुद करो या पार्टनर को करने दो, अच्छा एक्साइटमेंट पहले आने दो, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जब आ जाएगा तब फिर इंसर्शन करके फिर सेक्स करो। नहीं तो क्या होता है कि डिलेड इजैकुलेशन हो रहा है और सेक्स कर रहे हैं तो आदमी थक जाता है, औरत भी थक जाती है, और फिर उनको छोड़ देना पड़ता है बीच में थकने के बाद में। इसलिए फिर पहले हाथ से कर लो, हस्तमैथुन करो, अच्छा एक्साइटमेंट होने दो, अच्छा एक्साइटमेंट हो गया उसके बाद में करना है। कभी कभी क्या होता है कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है, शीघ्र पतन, उसके लिए क्रीम लगाते हैं, एनेस्थेटाइज्ड करते हैं पेनिस को, एनेस्थेटिक क्रीम या ऑइंटमेंट लगाते हैं, फिर उससे भी कभी कभी डिलेड इजैकुलेशन हो जाता है, क्योंकि फिर इतना नमनेस आता है कि उससे इजैकुलेशन होता ही नहीं, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर ऐसे समय, उस समय वो छोड़ देना चाहिए और फिर नेक्स्ट टाइम जैसा उसका असर निकल गया बाद में करना चाहिए। दवाइयाँ ले रहे क्या, तो उसको अपने को दवाई बंद करनी पड़ेंगी, जैसा SSRI ग्रुप की दवाइयाँ हैं, फ्लुऑक्सिटिन, फ्लुओक्सामिन या फिर सर्ट्रालिन, ये दवाइयाँ हैं, या फिर एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस है, एंटी डिप्रेशंस है, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस है, तो ये मेडिकेशंस जो है वो इजैकुलेशन के लिए डिले करते हैं, तो वो एक मतलब जिनको अर्ली होता है उनके लिए दवाई दी जाती है, तो डिले इजैकुलेशन उससे हो सकता है, तो दवाई अपने को बंद करनी पड़ेगी। समझो डिप्रेशन के लिए कोई दवाई ले रहा है, वो दवाई बंद करनी पड़ेगी। तो ये आप, ये बहुत ही जरूरी है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।